गिरिराज धरन हम तेरी शरण, रखलाज हमारी गोवर्धन। गोवर्धन पूजा के लिए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जुटे देश विदेश के श्रद्धालुओं की जुबान से ये लाइन जरूर सुनने को मिलती है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल गिरिराज पूजा के लिए गोवर्धन में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में भक्ति की अविरल धारा बहती रही। विदेशी भक्तों की टोलियां गोवर्धन पूजा के लिए निकली तो गिरिराज नगरी आस्था और भक्ति से सराबोर हो गई। छप्पन भोग से भी ज्यादा इतनी मिठाई आ चुकी है, इतनी उनका भोजन आ चुका है, इतना भोग आ चुका है, सभी वो अभी ग्रहण कर रहे हैं। और वे विदेश देश से सभी भक्त आए हैं और वो सजा रहे अपने ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी कहाँ है वो यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे दिल में वो बताते हैं कि आज हमें ये भोजन खिलाइए। तो आज गिरिराज जी जो भी आप भोग देंगे उसे स्वीकार करेंगे। तो सभी बोले गिरिराज महाराज की। गोवर्धन पूजा को लेकर मथुरा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देश विदेश के कृष्ण भक्त सिर पर दूध दही माखन मिश्री लेकर पूजा करने तलहटी पहुँचे। पूजा के बाद 56 भोग अन्नकूट भोग लगाए गए। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री गोवर्धन का जो पर्वत है, गिरिराज जी का जो पर्वत है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, और अब बलदेव भैया की भी पूजा करनी है। तो जब हम अन्नकूट का भोग लगाते हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा हमारे ब्रज के मंदिरों में, तो एक चावल का जिसको भात का कोट बोलते हैं, एक पर्वत बनाया जाता है। तो जो भात का श्वेत पर्वत है वो श्री दाऊजी महाराज है, क्योंकि दाऊजी गौर हैं, गोरे हैं, तो वो श्वेत पर्वत श्री दाऊजी की भावना से है, और गिरिराज पर्वत जो है वो श्याम है, वो स्वयं श्री कृष्ण की भावना से। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पूजाए। तो एक रूप से तो गिरिराज जी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण पूज रहे हैं, और श्री कृष्ण ही समस्त ब्रजवासियों के सहित उस श्री गिरिराज पर्वत की पूजा करा रहे हैं कि ब्रजवासियों मैं तुम्हारे ब्रज से कभी जाऊंगा नहीं। दरअसल गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। इस साल सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन या अन्नकूट पूजा 26 अक्टूबर को हुई। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 108 तरीके से भोग लगाए जाते हैं। इस पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा को लेकर मथुरा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। माना जाता है कि व्रज के लोगों पर जब भगवान इंद्र का प्रकोप बढ़ा तो उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिससे उसके नीचे हजारों जीव जंतु और मनुष्य आसरा ले सकें। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई थी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की थी। उस समय से हर साल गोवर्धन पूजा पर लोग घरों में गोवर्धन बनाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।